Ganapati and welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. So today in this video we'll discuss about the novel The Rover which is written by Afrabhan. So aaj is video mein hum The Rover novel ke bare mein discuss karenge jiski writer hai Afrabhan. So hum dekh lete hain ki hum kya kya topics aaj discuss karne wale hain. So we'll discuss about the introduction to the playwright Afrabhan, then we'll discuss about the introduction to the play The Rover. After that we'll discuss about the complete summary or you can say explanation of this novel. Then we'll discuss about the themes and symbols as we always do. So ye sare topics aaj is video hum discuss karne wale hain. So without any further delay let's discuss about the introduction to the playwright. So who is the playwright? Afrabhan. Afrabhan was born on 14th December 1640. 1640 में इनका जन्म हुआ था 14 दिसंबर को एंड शी वॉज ब्रिटिश इंग्लिश प्ले राइट ड्रामेटिस्ट फिक्शन राइटर पोइट एंड ट्रांसलेटर फ्रॉम द रेस्टोरेशन एरा. सो जो आफ्राबहन है वो ब्रिटिश इंग्लिश प्ले राइट है ड्रामेटिस्ट है मतलब ड्रामा लिखती हैं फिक्शन लिखती हैं पोइट एंड ट्रांसलेटर फ्रॉम रेस्टोरेशन एरा. रेस्टोरेशन एरा से ही मतलब उन्होंने ट्रांसलेशन वर्क्स किए होंगे रेस्टोरेशन एरा में उस टाइम की वो ट्रांसलेटर है. रेस्टोरेशन इज अ टाइम पीरियड इन लिटरेचर मतलब रेस्टोरेशन एक टाइम पीरियड है. फर्स्ट इंग्लिश वुमेन टू मेड अ लिविंग थ्रू हर राइटिंग. सो आफ्राबहन वॉज द फर्स्ट इंग्लिश वुमेन जिन्होंने अपनी जो लिविंग है वो राइटिंग्स के थ्रू सर्वाइव की मतलब वो अपने लिविंग्स के लिए राइटिंग्स पर डिपेंड थी. इट्स मीन शी वॉज द फर्स्ट वुमेन जिन्होंने राइटिंग्स के थ्रू अर्निंग करनी स्टार्ट की और अपनी जो लिविंग है वो इसी इनकम पे जी. Broke cultural barriers and served as a literary role model for later generations of women authors. देखो जो आफ्राबहन है वो उस टाइम की प्ले राइट है जिस टाइम पर वुमेन को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता था. सो जो आफ्राबहन है उन्होंने जो कल्चरल बैरियर्स थे मतलब वुमेन को नहीं सपोर्ट किया जाता था वुमेन को प्ले राइट की तरह नहीं कंसिडर किया जाता था उन पर बाउंडेशंस थी. सो आफ्राबहन ने उन सभी बैरियर्स को तोड़ा और वो मतलब जो भी लेटर जनरेशंस में वुमेन ऑथर्स बनी उनके लिए एक रोल मॉडल बनकर सामने आई. मतलब वुमेन ऑथर्स ने इंस्पिरेशन ली आफ्राबहन से कि अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं. एंड हर ओरिजिन रिमेन्स अ मिस्ट्री. और जो आफ्राबहन है उनका ओरिजिन मतलब एक मिस्ट्री ही है किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है उनके ओरिजिन के बारे में. एंड हर वर्क्स वर ट्रेजिक कॉमेडीज इन वर्स. जो आफ्राबहन है उनके वर्क्स ऐसे हैं कि ट्रेजिक कॉमेडीज हैं ट्रेजेडी में ही कॉमेडी को भी इंडल्ज उन्होंने किया है विच इज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क कि मतलब जो उन्होंने अपने वर्क्स लिखे हैं उसमें ट्रेजिक कॉमेडीज हैं. इन 1670 हर फर्स्ट प्ले द फोर्स्ड मैरिज वॉज प्रोड्यूस. सो इनका जो फर्स्ट प्ले था दैट वॉज द फोर्स्ड मैरिज जो कि 1670 में फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस किया गया था. एंड शी डाइड ऑन अप्रैल 16, 1689 को इनकी डेथ हो जाती है. सो गाइस ये था प्ले राइट आफ्राबहन के बारे में. नाउ विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द प्ले. सो हियर इज द इंट्रोडक्शन टू द प्ले. सो दिस प्ले द रोवर पब्लिश्ड एंड प्रोड्यूस्ड इन 1677 में इसको पब्लिश और प्रोड्यूस किया गया एंड इट इज आफ्राबहन्स मोस्ट सक्सेसफुल प्ले. जो द रोवर है ये उनका द मोस्ट सक्सेसफुल प्ले रहा है. रिविजन ऑफ थॉमस किलिग्रियोस प्ले थॉमेसियो एंड द वांडरर मतलब ऐसा माना जाता है कि जो आफ्राबहन ने द रोवर लिखा है ये थॉमस किलिग्रियो का वर्क था द वांडरर उसी को ही रिवाइज करके लिखा है. ओरिजिनल फुल नेम द रोवर और द बैनिश्ड कवैलरीज. सो गाइस देखो जो द रोवर है उसका नाम द बैनिश्ड कवैलरीज भी था. इंडिकेट्स दैट द प्ले वॉज अ ट्रिब्यूट टू द फॉर्मली एग्जाइल्ड कवैलियो एंड न्यूली रीइंस्टेटेड किंग चार्ल्स टू या चार्ल्स सेकंड. सो गाइस देखो जो द रोवर है और द बैनिश्ड कवैलरीज है इसका टाइटल ये क्या इंडिकेट करता है. इट इंडिकेट्स कि जो ये प्ले है ये एक ट्रिब्यूट था एग्जाइल्ड कवैलियर के लिए जो कि बाद में किंग भी बनते हैं चार्ल्स सेकंड के लिए. ये प्ले लिखा गया था एज अ ट्रिब्यूट लिखा था आफ्राबहन ने ये. एंड इट इज अ डार्क कॉमेडी दैट मिक्सेस थीम्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एंड रेप विद कॉमिक बिफोनरी. सो गाइस द रोवर जो है एक डार्क कॉमेडी है जिसमें की थीम्स है प्रोस्टिट्यूशन भी और रेप भी जिसमें की अगेन कॉमिक सेंस इंडल्ज किया गया है. एंड प्ले एक्सप्रेसेस ऑथर्स ऑब्जेक्शंस टू द वल्नरेबिलिटी ऑफ वुमेन इन रेस्टोरेशन सोसाइटी. सो गाइस देखो इस प्ले के थ्रू जो ऑथर हैं आफ्राबहन उन्होंने वो ऑब्जेक्शंस दिखाए हैं जो कि वुमेन के ऊपर उस टाइम पर थे. रेस्टोरेशन सोसाइटी में वुमेन को इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं थी उनके ऊपर मतलब उनके भाई थे जैसे यहाँ पर हम देखेंगे या फिर उनके लिए कुछ होते थे लोग जो उनकी प्रोटेक्शन करते थे.
सो ऑब्जेक्शंस टू द वल्नरेबिलिटी ऑफ वुमेन इन रेस्टोरेशन सोसाइटी, यहाँ पर ये आफ्रा बेन अपना व्यू एक्सप्रेस करती हैं इस प्ले में. एंड दिस प्ले सेट इन नेपल्स ड्यूरिंग कार्निवल टाइम. सो गाइज देखो, कार्निवल जो है मतलब फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, कोई भी मेला वगैरह जो होता है. सो ये जो प्ले है ये नेपल्स में सेट होता है. नेपल्स आई गेस अ सिटी इन इटली. सो वहाँ पर ये प्ले सेट होता है ड्यूरिंग कार्निवल टाइम. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू द प्ले. नाउ विल डिस्कस अबाउट द लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, जो कि मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी इनिशियली. सो यहाँ पर हम लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं. सो द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर इज विलमोर. विलमोर इज रॉवर, अपर क्लास सोल्जर्स कॉल्ड अ कवैलियर. सो गाइज देखो, फर्स्ट कैरेक्टर है विलमोर. विलमोर जो है वो एक रॉवर है. रोवर मतलब जो घूमते रहते हैं, घुमक्कड़ लोग. एंड अपर क्लास सोल्जर है ये, जिन्हें की कवैलियर कहा गया है. देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज हेलेना. स्ट्रॉन्ग ब्रेव गे विमेन डिजाइन फॉर अ नन लेटर चेंजेस. सो देखो, उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है हेलेना. हेलेना जो है वो एक गर्ल है. शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेव एंड शी इज गे विमेन डिजाइन फॉर अ नन. उनके जो ब्रदर होते हैं उन्हें फोर्स करते हैं कि तुम नन बन जाओ, बट लेटर जो हेलेना होती है वो चेंज हो जाती है. किस तरीके से होती है, दैट विल डिस्कस इन दी समरी. देन फ्लोरिंडा, सिस्टर ऑफ हेलेना एंड डॉन पेड्रो. उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्लोरिंडा. फ्लोरिंडा जो है वो हेलेना और डॉन पेड्रो की बहन है. मतलब हेलेना, फ्लोरिंडा और डॉन पेड्रो, ये तीनों बहन भाई होते हैं. एंड फ्लोरिंडा लेडी लाइक एंड मॉडेस्ट इन लव विद बेलविल. जो फ्लोरिंडा होती है शी इज मॉडेस्ट एंड लेडी लाइक, और उसे प्यार हो जाता है बेलविल से. देन बेलविल, बेलविल जो है वो एक इंग्लिश कॉलोनल है, जेंटलमैन इन लव विद फ्लोरिंडा. वो एक इंग्लिश कॉलोनल है, जेंटलमैन है, और उसे भी फ्लोरिंडा से प्यार हो जाता है. इट्स मीन हमें यहाँ पर फर्स्ट कपल मिल गया है. कौन है? फ्लोरिंडा एंड बेलविल. देन डॉन पेड्रो. डॉन पेड्रो इज द एंटेगनिस्ट ऑफ द प्ले. ठीक है, विलन है वो प्ले का. विशेज फॉर हिज सिस्टर फ्लोरिंडा टू मैरी हिज फ्रेंड डॉन एंटोनियो. देखो गाइस, जो फ्लोरिंडा है वो प्यार करती है बेलविल से, और वो बेलविल से ही शादी करना चाहती है. लेकिन जो इसका भाई होता है डॉन पेड्रो, वो अपनी बहन को मतलब फोर्स करता है और चाहता है कि उसकी बहन फ्लोरिंडा डॉन एंटोनियो से शादी कर ले. देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज डॉन एंटोनियो, वाइसराय सन. वाइसराय का बेटा होता है डॉन एंटोनियो एंड वॉन्ट्स टू गेट सेडक्टिव प्रोस्टिट्यूट एंजेलिका. और जो ये डॉन एंटोनियो होता है ये इनिशियली फ्लोरिंडा को लाइक करता है, बट जब ये देखता है प्रोस्टिट्यूट एंजेलिका को, देन ही फॉल्स फॉर एंजेलिका. उसे एंजेलिका से प्यार हो जाता है और वो एंजेलिका के प्यार में पड़ जाता है. देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज एंजेलिका बियांसे. शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वेल्दी एंड फेमस कर्टिजन डिजायर्ड बाय ऑल मेन इन नेपल्स. सो गाइज देखो, जो एंजेलिका बियांसे है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है. शी इज इंडीड वेरी ब्यूटीफुल एंड प्रिटी, वेल्दी एंड फेमस कर्टिजन. वो एक कर्टिजन होती है, प्रोस्टिट्यूट होती है. एंड ऑल द मेन ऑफ नेपल्स डिजायर्ड हर. सभी उसको पाना चाहते हैं, एंजेलिका बियांसे को. शी इज अ फेमस कर्टिजन, वेल्दी कर्टिजन एंड प्रोस्टिट्यूट, एंड शी इज ब्यूटीफुल इंडीड. देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज फ्रेडरिक. फ्रेडरिक इज इंग्लिश जेंटलमैन, फ्रेंड टू बेलविल, ब्लंट एंड विलमोर. सो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है फ्रेडरिक. फ्रेडरिक जो है वो इंग्लिश जेंटलमैन है, बेलविल, ब्लंट और विलमोर का फ्रेंड होता है. देन ब्लंट, ब्लंट अगेन जेंटलमैन होता है. इडियट, मॉक्ड बाय हिज फ्रेंड्स, मैड इन लव विद ल्यूसीटा. यस गाइस देखो, जो ब्लंट होता है इसका इसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, बिकॉज इसे प्यार हो जाता है ल्यूसीटा से. और जो ल्यूसीटा होती है वो इससे बिल्कुल प्यार नहीं करती, इसे लूट ले जाती है. सो इसके फ्रेंड्स को शक होता है ल्यूसीटा पे, उन्हें ल्यूसीटा बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है. सो यहाँ पर उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं ब्लंट का. देन ल्यूसीटा, जिल्टिंग रेंच प्रोस्टिट्यूट. ल्यूसीटा जो है वो एक प्रोस्टिट्यूट होती है और वो ब्लंट को लूट लेती है. वेलेरिया, वेलेरिया कौन है? कजिन टू फ्लोरिंडा एंड हेलेना. फाइंड्स हरसेल्फ इन लव विद फ्रेडरिक. सो गाइस देखो, जो वेलेरिया है ये फ्लोरिंडा और हेलेना, जो हमने अभी ऊपर दो बहनें देखी थी, उनकी कजन होती है. और इसे प्यार हो जाता है फ्रेडरिक से, जो कि बेलविल, ब्लंट और विलमोर का फ्रेंड होता है. देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज स्टीफेनो. स्टीफेनो इज सर्वेंट टू डॉन पेड्रो. देन फिलिपो. फिलिपो इज इन लव विद ल्यूसीटा. ल्यूसीटा का लवर होता है फिलिपो, एंड यही हेल्प करता है ल्यूसीटा को ब्लंट को लूटने में. सो फिलिपो इज द लवर ऑफ ल्यूसीटा एंड ही हेल्प्स ल्यूसीटा टू फूल एंड रॉब ब्लंट. देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज सेंको. पिंप टू ल्यूसीटा, हेल्प्स हर टू रॉब ब्लंट. सो ये ल्यूसीटा का मतलब एक तरीके से वर्कर, सर्वेंट होता है, और ये भी ल्यूसीटा की हेल्प करता है ब्लंट को लूटने में. देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज बिस्की एंड सेबेस्टियन. ब्रेवोस एंजेलिका सर्वेंट. सो इन दोनों को ब्रेवोस कहा जाता है, बिस्की और सेबेस्टियन को, और ये एंजेलिका के सर्वेंट होते हैं. देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज मोरेटा. मोरेटा कौन है? एल्डरली सर्वेंट ऑफ एंजेलिका, फॉर्मर प्रोस्टिट्यूट. मोरेटा पहले प्रोस्टिट्यूट थी, अब वो एंजेलिका की
सर्वेंट बन गई है। देन कैलिस सॉफ्ट हार्टेड गवर्नेस ऑफ फ्लोरिंडा एंड हेलेना। कैलिस जो है वो हेलेना और फ्लोरिंडा की गवर्नेस होती है एंड शी इज वेरी सॉफ्ट हार्टेड। देन डॉन विंसेंटियो नेवर अपियर्स इन द प्ले वेल्दी ओल्ड मैन। उसके बाद आता है डॉन विंसेंटियो, ये बहुत ही रिच होता है, ही इज वेरी वेल्दी और बूढ़ा हो चुका है अभी ये, और ये प्ले में कभी भी अपियर नहीं होता। सो गाइज इसके अलावा प्ले में होते हैं कुछ ऑफिसर्स, सोल्जर्स एंड एटसेट्रा, और भी कुछ माइनर कैरेक्टर्स होते होंगे। अदरवाइज आई ट्राइड कि मैं आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स हैं, वो बता दूँ। सो आई होप आपको यहाँ का क्लियर हो गया होगा। नाउ विल डिस्कस अबाउट दिस समरी। सो हियर इज द कम्प्लीट समरी, और यू कैन से एक्सप्लेनेशन। सो दिस प्ले ओपन्स इन नेपल्स ड्यूरिंग अ कार्निवल। सो गाइज देखो जो ये प्ले है द रोवर, ये नॉवल कहाँ पर ओपन होती है, नेपल्स में स्टार्ट होती है ड्यूरिंग कार्निवल। मैन एंड वीमेन एंजॉय देमसेल्व्स। सो कार्निवल चल रहा है, मैन और वीमेन जो है वहां पर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। एंड टू स्पेनिश सिस्टर्स फ्लोरिंडा एंड हेलेना डिस्कस लव। सो गाइज देखो एक तरफ तो चल रहा है नेपल्स में कार्निवल, और दूसरी तरफ दो स्पेनिश सिस्टर्स है फ्लोरिंडा एंड हेलेना, जो कि लव के बारे में कुछ डिस्कशन करती हैं। एंड देयर फादर इज नॉट इन नेपल्स। जो इनके फादर है वो नेपल्स में नहीं है। एंड दे आर अंडर द आई ऑफ देयर ब्रदर डॉन पेड्रो। सो एज आई टोल्ड यू तीन बहन भाई होते हैं, हेलेना, फ्लोरिंडा एंड डॉन पेड्रो। जो इनके फादर होते हैं वो नेपल्स में नहीं होते हैं, और फ्लोरिंडा और हेलेना की जो जिम्मेदारी होती है वो उनके भाई डॉन पेड्रो पर होती है, वही इन पर नजर रखता है। सो फ्लोरिंडा लव्स एन इंग्लिश मैन बेलविल, वाइल हेलेना कंडेम्ड टू लीड अ लाइफ ऑफ नन बाय हर फादर एंड ब्रदर। सो गाइस देखो जो फ्लोरिंडा होती है वो तो बेलविल से प्यार करती है, बेलविल वाज अ इंग्लिश मैन एज आई टोल्ड यू। सो फ्लोरिंडा लव्स बेलविल, और जबकि जो हेलेना होती है उसको उसके फादर और ब्रदर फोर्स करते हैं, कंडेम्ड करते हैं कि वो एज अ नन अपनी लाइफ जिए। सो डॉन पेड्रो एंटर्स, मतलब यहाँ पर दोनों बहनें हेलेना और फ्लोरिंडा आपस में बात कर रही थी लव के बारे में, उस टाइम पर हमें थोड़ा इनका बैकग्राउंड बताया गया। सो जब ये दोनों बहनें बात कर रही थी वहां पर आता है डॉन पेड्रो। सो डॉन पेड्रो एंटर्स एंड अनाउंसेस दैट देयर फादर विशेस फ्लोरिंडा टू मैरी डॉन विंसेंटियो। सो गाइज देखो उसके बाद डॉन पेड्रो आता है इन दोनों बहनों की बात के बीच में, और वो आकर बताता है कि जो इनके फादर हैं वो चाहते हैं कि फ्लोरिंडा शादी कर ले डॉन विंसेंटियो से, जबकि फ्लोरिंडा किससे प्यार करती है, फ्लोरिंडा तो बेलविल से प्यार करती है, लेकिन उसके फादर चाहते हैं कि फ्लोरिंडा शादी कर ले डॉन विंसेंटियो से। सो ही हिमसेल्फ वॉन्ट्स हिज सिस्टर टू मैरी हिज फ्रेंड डॉन एंटोनियो। और जबकि जो डॉन पेड्रो है वो खुद चाहता है कि उसकी बहन फ्लोरिंडा शादी करे डॉन एंटोनियो से, उसके फादर चाहते हैं ये शादी करे डॉन विंसेंटियो से, और ये खुद चाहते हैं कि ये शादी करे बेलविल से। सो यहाँ पर इसके तीन तीन स्यूटर बन गए हैं। वाइल फ्लोरिंडा वॉन्ट्स टू मैरी बेलविल, यस शी कंडेम्स इट, हेलेना ऑल्सो आर्ग्यूज, पेड्रो ऑर्डर्स द गवर्नेस कैलिस टू कीप देम अवे फ्रॉम दी कार्निवल। सो गाइज देखो जो ये होती है फ्लोरिंडा, ये मना कर देती है कि ये नहीं करेगी शादी, और जो हेलेना होती है वो भी कुछ आर्ग्यूमेंट करने लग जाती है, तो पेड्रो जो होता है उसे गुस्सा आ जाता है, और वो इन दोनों की जो गवर्नेंस होती है हेलेना की और फ्लोरिंडा की, इनको ऑर्डर देके जाता है, मतलब हेलेना और फ्लोरिंडा की जो गवर्नेंस होती है कैलिस, उसको पेड्रो ऑर्डर देकर जाता है कि इन दोनों पर नजर रखना और इन्हें बाहर कार्निवल में बिल्कुल भी मत जाने देना। सो दे डिस्गाइज्ड एज जिप्सीज एंड एस्केप्ड, ये अपना भेस बदल लेते, जिप्सीज के रूप में आ जाते, जिप्सीज समझते हो ना बंजारन, सो ये बंजारन की तरह अपने आप को डिस्गाइज कर लेती हैं और वहां से निकल आती हैं, कार्निवल में चली जाती हैं। अकम्पेन्ड बाय द सिस्टर वेलेरिया, इनके साथ और कौन होता है, इनके कजन सिस्टर जो थी वेलेरिया वो भी इनके साथ आ गई है। सो गाइज देखो इन दोनों बहनों ने, हेलेना, फ्लोरिंडा और जिनकी कजन है वेलेरिया, इन तीनों ने जिप्सीज मतलब बंजारन का रूप धारण कर लिया है, और ये चल पड़ी है कार्निवल में एंड एंजॉय प्रटेंडिंग टू टेल फॉर्च्यून्स इन द कार्निवल। और ये कार्निवल में इस तरीके से प्रटेंड करती है कि ये लोगों का भविष्य बताने वाली हैं। सो बिकॉज इन्होंने भेस बदल रखा है, सो नोबडी इज एबल टू रिकॉग्नाइज दैम, एंड फ्लोरिंडा इज लॉयल एंड डिवोटेड टू बेलविल। यस गाइस, जो फ्लोरिंडा है वो बेलविल से बहुत प्यार करती है, शी इज लॉयल एंड डिवोटेड टू हिम एंड सीक्स हिम आउट अमंग द क्राउड, और वो पूरे क्राउड में अपने स्यूटर, अपने लवर बेलविल को ही ढूंढती है। दे आर यंग एंड हैंडसम मैन इन विच विल्मो, फ्रेडरिक ब्लंट एंड बेलविल आर ऑल्सो प्रेजेंट। सो इनकी नजर जाती है, एक यंग और हैंडसम मैन का ग्रुप होता है, उन पर नजर जाती है, और उस ग्रुप में कौन कौन होता है, विल्मोर होता है, फ्रेडरिक होता है, बेलविल होता है और ब्लंट होता है, ये चारों ही उस ग्रुप में होते हैं। एंड विल्मोर जस्ट अराइव फ्रॉम द सी, सीक्स फॉर फन एंड प्लेजर। सो गाइज देखो विल्मोर एज आई टोल्ड यू रॉवर होता है, ये रॉवर का मतलब होता है वांडरर, की मतलब ये घूमता रहता है। सो अभी अभी ये सी से वापस आया और यहाँ पर कार्निवल में इंजॉय करने के लिए आया, फन और प्लेजर के लिए आया है।
सो दीज फॉर इंग्लिशमैन एंजॉय द कार्निवल. सो ये चारों इंग्लिशमैन कार्निवल को एंजॉय करते हैं. एंड देन दे मेट फ्लोरिंडा, हेलेना एंड वैलेरिया डिस्गाइज्ड एज जिप्सीज, एंटर्स विद कैलिस एंड स्टीफानो. ल्यूसिटा एंड सेंको ऑल्सो एंटर. सो गाइज देखो, जो ये चार इंग्लिशमैन थे, ब्लंट, विलमोर, फ्रेडरिक एंड बिलवाइल, ये मिलते हैं फ्लोरिंडा, हेलेना और वैलेरिया से, जिन्होंने अपने आप को डिस्गाइज कर रखा है एज जिप्सीज. उसी के साथ साथ कार्निवल में कौन होता है, कैलिस और स्टीफानो भी होती है. कैलिस कौन थी, इनकी गवर्नेस, और स्टीफानो भी इनका सर्वेंट होता है. और उसके अलावा यहाँ पर होते हैं ल्यूसिटा एंड सेंको. सो ये सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर कार्निवल में, मतलब सब कार्निवल में एंजॉयमेंट के लिए आए हुए हैं. एंड गाइस फ्लोरिंडा रिकॉग्नाइज बेलविल, फ्लोरिंडा तो बेलविल को पहचान लेती है. एंड हेलेना नोटिसेस विलमोर, जो हेलेना होती है जिसको फोर्स करते हैं इसके पेरेंट्स, इसका भाई, इसके फादर कि तुम नन बन जाओ. हेलेना नोटिस करती है विलमोर को. एंड शी टेल्स हिज फॉर्चून बिकम्स फ्लर्टेशियस. सो जो हेलेना होती है वो यहाँ पर फॉर्चून बताती है. फॉर्चून बताते बताते वो थोड़ी फ्लर्ट करने लग जाते हैं विलमोर के साथ. एंड ल्यूसिटा प्लॉट्स विद सेंको टू रॉब ब्लंट. और जो ल्यूसिटा होती है वो सेंको के साथ मिलकर प्लानिंग करती है, प्लॉटिंग करती है किस तरीके से ब्लंट को लूटना है. सो गाइज फ्लोरिंडा कैन नॉट रिवील हर आइडेंटिटी टू बेलविल बिकॉज ऑफ कैलिस. सो गाइज देखो, जो फ्लोरिंडा है उसने अपने आप को जिप्सीज की तरह डिस्गाइज कर रखा है और वो यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकती बेलविल के सामने, बिकॉज वहां पर कैलिस भी होती है. एंड व्हेन शी डज सो, पेड्रो एंटर्स एंड फ्लोरिंडा फ्लीज. सो जैसे ही वो, मतलब अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की कोशिश करती है फ्लोरिंडा बेलविल के सामने, वहां पर आ जाता है पेड्रो और फ्लोरिंडा वहां से भाग जाती है. सो बेलविल आस्क्स हिज फ्रेंड टू रेस्क्यू हर. सो जो बेलविल होता है वो अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि मेरी लवर फ्लोरिंडा को बचाने में मेरी हेल्प करो. एंड ब्लंट लीव्स विद ल्यूसिटा. और जो ब्लंट होता है वो हेल्प करने की बजाय ल्यूसिटा के साथ चला जाता है, जो कि इसको लूट लेगी. एंड विलमोर आस्क्स हिज फ्रेंड, दे आर मोर विलिंग वुमेन इन द नेपलिस, हिज फ्रेंड्स टेल्स हिम अबाउट एंजेलिका. सो गाइज देखो, जो विलमोर होता है, पहले तो क्या होता है, जो फ्लोरिंडा होती है वो बेलविल के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करती, लेकिन उसके बाद जब वो आइडेंटिटी रिवील करती है बेलविल के सामने, वहां पर आ जाता है डॉन पेड्रो और डॉन पेड्रो वहां पर फ्लोरिंडा को पहचान लेता है और फ्लोरिंडा वहां से भाग जाती है. सो जो बेलविल होता है वो अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि मेरी लवर फ्लोरिंडा को बचाने में, रेस्क्यू करने में मेरी हेल्प करो, लेकिन ब्लंट वहां से भाग जाता है ल्यूसिटा के पीछे. और जो विलमोर होता है वो कहता है, यहाँ पर और भी विलिंग वुमेन तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगी नेपलिस में, तुम फ्लोरिंडा के ही पीछे क्यों भाग रहे हो. और बेलविल के फ्रेंड्स उसे एंजेलिका के बारे में बताते हैं, हु इज प्रोस्टिट्यूट. एंड दे री एंटर सीकिंग आउट एंजेलिका, मेट ब्लंट हु फॉल्स इन लव विद ल्यूसिटा. सो उसके बाद ये एंटर होते हैं, री एंटर होते हैं ये जो चारों दोस्त थे, मतलब तीन होते हैं यहाँ पर, बिकॉज जो ब्लंट है वो भाग जाता है ल्यूसिटा के साथ. सो इन तीनों को यहाँ पर कौन मिलती है, एंजेलिका. ये एंजेलिका को देखने के लिए घूमते हैं और एंजेलिका को ढूंढते ढूंढते जब ये जाते हैं तो इन्हें रास्ते में कौन मिल जाता है, ब्लंट, हु फॉल्स इन लव विद ल्यूसिटा, जिसे ल्यूसिटा से प्यार हो जाता है. वाइल दे मॉक ब्लंट, एंजेलिका सर्वेंट प्लेस पिक्चर्स अराउंड द स्टेज सो दैट ऑल कैन ऑब्जर्व हर ब्यूटी. सो गाइस देखो, ब्लंट के जो फ्रेंड्स होते हैं विलमोर, बेलविल और फ्रेडरिक, ये ब्लंट का मजाक उड़ाते हैं कि ओहो तुम्हें ल्यूसिटा से प्यार हो गया, ये वो इस तरीके से. सो इतने में ही जो एंजेलिका के सर्वेंट्स होते हैं वो स्टेज के आसपास एंजेलिका की पिक्चर चिपका देते हैं सो दैट जो लोग आए हैं एंजेलिका को देखने वो पहले एंजेलिका की ब्यूटी तो देख ले, वो कितनी ब्यूटीफुल है. एंड पेड्रो डिसाइड्स टू पे. सो गाइस देखो, जो पेड्रो होता है, डॉन पेड्रो, हेलेना और फ्लोरिंडा का भाई, वो भी यहाँ पर आता है और वो एंजेलिका की ब्यूटी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है. वो सोचता है कि वो एंजेलिका के लिए पे करेगा. ही डिसाइड्स टू पे. एंड मास्ट एंटोनियो डिसाइड्स टू परचेज. और जो एंटोनियो होता है, जिसको कि ये डॉन पेड्रो चाहता है कि मेरी बहन फ्लोरिंडा से शादी कर ले, वो एंटोनियो भी यहाँ पर आया है और वो एंटोनियो चाहता है यहाँ पर एंजेलिका को खरीदना. सो देखो गाइस, फ्लोरिंडा और हेलेना का भाई पेड्रो भी यहाँ पर आया, जो कहता है एंजेलिका के लिए मैं पे करूंगा, और दूसरा एंटोनियो, जिसको कि डॉन पेड्रो चाहता है मेरी बहन से शादी कर ले, वो भी यहाँ पर आया हुआ है. हालांकि उसने मास्क लगा रखा है, सो जो डॉन पेड्रो होता है वो उसे पहचान नहीं पाता. और एंटोनियो डिसाइड करता है कि एंजेलिका को तो वही खरीदेगा. सो पेड्रो इज अपसेट आफ्टर दिस एंड दे फाइट. इंग्लिश मैन पार्ट देम. सो गाइस देखो, पेड्रो को बहुत गुस्सा आता है जब एंटोनियो ये बात कहता है और उन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है. उसके बाद वहां पर आसपास में जो इंग्लिश मैन होते हैं वो उन्हें दूर दूर करते हैं. पेड्रो डिक्लेयर्स दैट दे आर नॉट फाइटिंग फॉर एंजेलिका बट फॉर फ्लोरिंडा एग्जिट्स. सो गाइस देखो, जो पेड्रो होता है वो यहाँ पर कहता है कि वो एंजेलिका के लिए फाइट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज जो एंटोनियो, उसने मास्क लगा रखा था, लेकिन पेड्रो से फिर पहचान लेता है बाद में.
और ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। तो पेड्रो कहता है कि वो एंजेलिका के लिए नहीं लड़ रहे हैं बल्कि वो फ्लोरिंडा के लिए लड़ रहे हैं, बिकॉज पेड्रो चाहता था कि उसका दोस्त एंटोनियो फ्लोरिंडा से शादी कर ले और वो यहाँ पर एंजेलिका को खरीदने आया। उसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। एंड देन विलमोर पुल्स डाउन एंजेलिकाज पिक्चर, एंटोनियो थिंक्स ही इज इंसल्टिंग एंजेलिका एंड ड्रॉज हिज स्वॉर्ड एंड फाइट। सो गाइज देखो, उसके बाद दीवार पर पोस्टर लगे थे एंजेलिका के, सो जो विलमोर होता है जो कि रॉबर होता है वो एंजेलिका की पिक्चर वहां से हटा लेता है, स्टेज के वहां पर जो पिक्चर लगी थी उसको हटा लेता है। सो एंटोनियो सोचता है कि ये विलमोर जो है ये एंजेलिका की इंसल्ट कर रहा है और वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और विलमोर के साथ फाइट करने लग जाता है। सो एंजेलिका कमांड्स विलमोर टू कम एंड मीट हर पर्सनली। सो उसके बाद एंजेलिका आ गई है बाहर और एंजेलिका सबको देखती है और वो विलमोर को बोलती है कि तुम अंदर आओ और मुझसे पर्सनली मिलो। सो विलमोर स्कोल्ड्स एंजेलिका फॉर पुटिंग प्राइस ऑन लव बिगिन टू फ्लर्ट। सो जो विलमोर होता है उसको तो एंजेलिका बुलाती है अकेले से पर्सनली, कहती है मुझसे अंदर आकर मिलो। सो विलमोर अंदर जाकर एंजेलिका को डांटता है और कहता है कि तुमने लव के नाम पर पैसा लगा दिया, कि मतलब तुम लव पर पैसों को कंपेयर भी कैसे कर सकते हो। वो उसके लिए एंजेलिका को डांटता है और फिर उसके बाद वो एंजेलिका से फ्लर्ट करने लगता है। एंड देन दे एडमिट्स फीलिंग फॉर ईच अदर। सो गाइज उसके बाद जो विलमोर और एंजेलिका होती है ये दोनों अपनी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जो होती है उनका इजहार कर देते हैं, मतलब दोनों ही एंजेलिका और विलमोर बता देते हैं कि वो आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, अपने एक दूसरे के प्यार का इजहार कर देते हैं एक दूसरे के सामने। एंड विलमोर सेज ही हैज नो मनी मूव्ड टू बैड चैम्बर। सो विलमोर जो होता है वो पहले ही बता देता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं तुम्हें नहीं खरीद सकता। हालांकि जो एंजेलिका होती है उसे सचमुच ही विलमोर से प्यार हो जाता है और विलमोर तो सच में ही फ्लर्ट करने लग जाता है। सो ये दोनों अपनी फीलिंग्स बता देते हैं और विलमोर कहता है उसके पास कोई पैसा नहीं है। सो एंजेलिका कहते हैं कि उसे पैसा नहीं चाहिए एंड उसके बाद वो बैड चैम्बर के तरफ जाते हैं। देन बोथ एंजेलिका एंड विलमोर यूनाइटेड फिजिकली एंड देन फ्लोरिंडा हेलेना एंड वैलेरिया एंटर। सो गाइज देखो, एक तरफ तो ये विलमोर और एंजेलिका वाला सीन चल रहा था, दूसरी तरफ फ्लोरिंडा हेलेना और वैलेरिया एंटर होती हैं। एंड देन वैलेरिया टेल्स शी हैज फीलिंग्स फॉर फ्रेडरिक, और जो वैलेरिया होती है वो बताती है कि उसे फ्रेडरिक से प्यार हो गया है। एंड इंग्लिश मैन एंटर विदाउट विलमोर। सो जो इंग्लिश मैन होते हैं वो आते हैं, उनके साथ विलमोर नहीं होता है। सो हेलेना ग्रो क्यूरियस बिकॉज जो हेलेना होती है उसे विलमोर पसंद आ गया था। सो हेलेना देखती है कि सभी इंग्लिश मैन है बट विलमोर इनमें नहीं है। सो शी ग्रोज क्यूरियस एंड सडनली विलमोर एंटर्स रिवील हिज डील विद एंजेलिका। और उसके बाद विलमोर आता है और अपने दोस्तों को अपनी जो डील हुई है उसकी एंजेलिका के साथ उसके बारे में बताता है। देखो गाइस, जो विलमोर है और सभी इंग्लिश मैन है, इन्हें नहीं पता है कि फ्लोरिंडा हेलेना और वैलेरिया आखिर है कौन, ये इन्हें जिप्सीज समझते हैं। सो विलमोर यहाँ पर आकर एंजेलिका की डील के बारे में बताता है अपने फ्रेंड्स को। हालांकि जो विलमोर है उसे भी हेलेना के लिए कुछ फीलिंग्स हो गई थी, बट यहाँ पर विलमोर हेलेना को ध्यान नहीं देता कि हेलेना भी यहीं पर थी और वो अपने फ्रेंड्स को अपनी डील के बारे में बताता है। एंड बेलविल रिमाइंड्स हिम ऑफ द जिप्सी गर्ल। और जो बेलविल, गाइस देखो कुछ इसे बेलविल प्रोनाउंस करते हैं, कुछ बेलवाइल प्रोनाउंस करते हैं, सो प्लीज आप लोग इस चीज़ के ऊपर कमेंट बॉक्स में बोलना मत कि बेलवाइल बोल रहे हो बेलविल बोल रहे हो। अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस और जो भी आपके टीचर आपको प्रोनाउंस करने के लिए बोले, यू कैन डू दैट। सो जो बेलविल होता है वो विलमोर को बताता है कि लेकिन तुम्हें तो वो जिप्सी गर्ल अच्छी लगी थी। एंड विलमोर सेज ही डज नॉट वॉन्ट टू थिंक ऑफ एनी अदर वुमेन। हेलेना एंटर्स अगेन फ्लर्टिंग विद हर। सो गाइज देखो, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर होता क्या है। ये तीनों जिप्सीज गर्ल वैलेरिया, हेलेना और फ्लोरिंडा ये एंटर होती है और इन्हीं के दूसरी तरफ, मतलब इसी सीन में कौन आ जाते हैं, तीन इंग्लिश मैन, बिकॉज चौथा इंग्लिश मैन विलमोर बाद में आता है। सो ये इन्हें याद ही नहीं होता, ये ध्यान ही नहीं देते कि इनके आसपास ये जिप्सीज भी खड़ी हैं, जिप्सी गर्ल भी हैं। सो विलमोर आता है सीधे और अपने दोस्तों को बताता है कि मेरी तो एंजेलिका के साथ ये डील हो गई एंड शी लव्स मी और जो भी सारी चीजें थी। तो उसके बाद बेलविल बोलता है लेकिन तुम्हें तो वो जिप्सी गर्ल अच्छी लगी थी। तो विलमोर बोलता है कि अब वो किसी और वुमेन के बारे में नहीं सोचना चाहता है। सो ये सुनकर जो हेलेना आती है उसे थोड़ा सा तो गुस्सा आता है, लेकिन वो आती है उसके बाद विलमोर के पास और आपस में दोनों दोबारा फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो एंजेलिका एंटर्स विद हर ब्रेवोस जेलस। सो उसके बाद एंजेलिका आती है अपने ब्रेवोस, ब्रेवोस कौन थे, एंजेलिका के सर्वेंट्स। सो एंजेलिका अपने सर्वेंट्स के साथ आती है और वो देखती है कि जो विलमोर है वो हेलेना से बात कर रहा है, तो उसको थोड़ी जेलसी होती है। एंड हेलेना टेक्स ऑफ हर मास्क, विलमोर स्ट्रक बाय हर ब्यूटी। सो जो हेलेना होती है वो अपना मास्क उतार देती है और जो विलमोर होता है वो उसकी ब्यूटी में मतलब खो जाता है, उसे बहुत सुंदर लगती है हेलेना। एंड एंजेलिका ऑर्डर्स हर सर्वेंट टू आइडेंटिफाई हेलेना।
सो एंजेलिका जब ये देखते हैं कि विलमोर किसी और लेडी से बात कर रहा है और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, सो एंजेलिका अपने ब्रेवोस मतलब अपने सर्वेंट को बोलती है कि कौन है ये हेलेना, इसको आइडेंटिफाई करो। एंड फ्लोरिंडा वांट्स टू नो इफ बेलविल लॉयल टू हर और नॉट। और जो फ्लोरिंडा है वो भी ये देखना चाहती है कि जो बेलविल है वो उसके लिए लॉयल है या नहीं, बिकॉज जो विलमोर है वो अभी तो एंजेलिका की बात कर रहा था और अब अचानक से उसे हेलेना से प्यार हो गया। सो इसीलिए फ्लोरिंडा के मन में भी शक आता है, वो बेलविल के प्यार को जांचना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू नो कि जो बेलविल है उसके लिए लॉयल है भी या नहीं है। एंड शी गिव्स अ ज्वेल टू हिम एंड ही रिफ्यूज एंड दे डिसाइड्स टू मीट। सो इसीलिए जो फ्लोरिंडा है वो एक ज्वेल देती है बेलविल को, लेकिन बेलविल उसे लेने से मना कर देता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं एक जगह पर मिलने का। एंड ब्लंट एंटर्स ल्यूसीटाज होम। सो ये सारे सीन चल रहा था, दूसरी तरफ क्या होता है, ल्यूसीटा के घर में ब्लंट आता है और वो सोचता है कि ल्यूसीटा उससे बहुत प्यार करती है। एंड प्रिपेयर टू स्लीप इन साइड हर चैम्बर, देर इज डार्कनेस ऑल अराउंड एंड ही फॉल्स। सो देखो जो ल्यूसीटा होती है ब्लंट होते हैं एक रूम में होता है, ब्लंट सोचता है कि ल्यूसीटा इससे बहुत प्यार करती है एंड दे प्रिपेयर टू स्लीप, लेकिन अंदर चैम्बर में पूरा अंधेरा होता है और जो ब्लंट होता है वो गिर जाता है। और ब्लंट अनड्रेसेस एंड टेक्स ऑफ हिज ज्वेल्स। और जो ब्लंट होता है वो पूरा अनड्रेस होता है उस टाइम पर और उसके ज्वेल्स उसने निकाल दिए थे बिकॉज दे प्रिपेयर टू स्लीप, और इसीलिए उसने अपने सारे कपड़े और ज्वेल्स उतार दिए थे। और जो भी उसके ज्वेल्स थे लुसीटा वहां पर आ जाती है। शी एंटर्स विद द हेल्प ऑफ हर सैंको एंड फिलिपो, शी स्टील्स ऑल द एक्सेसरीज और द ज्वेल्स ऑफ ब्लंट। सो इन्होंने तो चूना लगा दिया है ब्लंट को, ब्लंट के सारे जो ज्वेल्स थे जो भी एक्सेसरीज थी उन्हें चुरा कर ये ले जाते हैं, मतलब ल्यूसीटा ले जाती है सेंको और फिलिपो की हेल्प से, इसको लूट लेते हैं। डर्टी अनक्लोथ्ड ब्लंट एंटर्स एंड कर्सेस ऑल दी विमेन। डर्टी देखो ये गिर जाता है वहां पर, अंधेरा होता है तो ये बहुत गंदा सा हो रखा था, अनक्लॉथ इसके पास पूरे कपड़े भी नहीं होते हैं और ये एंटर होता है और सभी विमेन को कर्स करने लग जाता है। दैट इवनिंग फ्लोरिंडा इन हर गार्डन अनलॉक्स द डोर फॉर बेलविल, बट विलमोर इज ड्रंकन स्टेट एंटर्स एंड मोलेस्ट एंड नियरली रेप्ड बेलविल मिस्ट्रेस फ्लोरिंडा। सो गाइस देखो क्या होता है, इवनिंग में फ्लोरिंडा जो है वो अपने गार्डन में बेलविल का वेट कर रही होती है। उन्होंने डिसाइड किया था ना कि वो दोनों मिलेंगे जब फ्लोरिंडा ज्वेल दे रही थी उस टाइम पर। सो फ्लोरिंडा यहाँ पर गार्डन में बेलविल का वेट करती है, लेकिन वहां पर बेलविल तो नहीं आता है, विलमोर आ जाता है और विलमोर ने कर रखी होती है ड्रिंक और वो मतलब मॉलेस्ट करने की कोशिश करता है फ्लोरिंडा को और नियरली वो फ्लोरिंडा का रेप ही करने को होता है। जस्ट देन बेलविल एंड फ्रेडरिक एंटर। जस्ट उसी टाइम पर बेलविल और फ्रेडरिक वहां पर आ जाते हैं एंड एंगरेज्ड बेलविल ड्रॉज हिज स्वॉर्ड। और बेलविल को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि उसी का फ्रेंड विलमोर उसकी मिस्ट्रेस फ्लोरिंडा को सड्यूस करने की, रेप करने की कोशिश कर रहा है। सो गुस्से में जो बेलविल होता है वो अपनी तलवार निकाल लेता है। एंड देन डॉन पेड्रो एंटर्स विद हिज गार्ड्स एंड ऑल ऑफ देम फ्ली। सो उसके बाद डॉन पेड्रो आता है अपने गार्ड्स को लेकर और सभी वहां से भाग जाते हैं। बेलविल मीट्स विल्मो एंड वांट्स अ ड्यूएल एज ही ट्राइज टू रेप फ्लोरिंडा, विल्मोर डिक्लाइंस। सो गाइस देखो उसके बाद जो बेलविल होता है वो विल्मोर से मिलता है और वो विल्मोर को बोलता है कि तुम मेरे साथ एक लड़ाई करो बिकॉज तुमने मेरी मिस्ट्रेस फ्लोरिंडा को सड्यूस करने की कोशिश की, उसका रेप करने की कोशिश की। सो तुम्हें अब मेरे साथ लड़ाई करनी होगी, लेकिन जो विल्मोर होता है वो मना कर देता है और बोलता है कि उसने जो भी ये किया ड्रंकन स्टेट में किया। सो बेलविल रिमेंबर्स दैट फ्लोरिंडा विल मैरी डॉन एंटोनियो टुमोरो। सो उसके बाद बेलविल को याद आता है कि जो फ्लोरिंडा है उसकी कल शादी होने वाली है डॉन एंटोनियो के साथ। सो दे रीच एंजेलिकाज हाउस एंड विलमोर एंटर्स। सो उसके बाद जो ये दोस्त होते हैं ब्लंट फ्रेडरिक विलमोर और बिलवाइल वगैरह, ये जाते हैं एंजेलिका के घर पर और वहां पर विलमोर आता है एंड एंटोनियो वॉज इन साइड द हाउस एंड सेड ही हैज पेड। एंग्रेज्ड विलमोर ड्रॉज हिज स्वॉर्ड एंड ड्यूएल एंटोनियो हर्ट्स। सो गाइस देखो जब ये सब जाते हैं एंजेलिका के घर के यहाँ पर, तो वहां पर ये देखते हैं विलमोर को। सो विलमोर जो है वहां पर देखता है एंटोनियो को और एंटोनियो कहता है कि उसने एंजेलिका के लिए पैसे ऑलरेडी भर दिए हैं। सो ये सुनकर जो विलमोर है उसे बहुत गुस्सा आता है, वो अपनी तलवार निकाल लेता है और लड़ाई के मूड में होता है एकदम, और एंटोनियो को चोट लग जाती है। सो विलमोर रन्स आफ्टर रिज्यूमिंग ही हैज किल्ड हिम। सो विलमोर वहां से भागने लग जाता है, उसे लगता है कि उसने एंटोनियो को मार दिया है। एंड सोल्जर्स एंटर बिलीविंग बेलवाइल हैज हर्ट एंटोनियो एंड इम्प्रिजन्ड हिम। सो जो सोल्जर्स होते हैं वो सोचते हैं कि बेलवाइल ने मारा है, जबकि मारता कौन है, विलमोर। सो वो बेलवाइल को पकड़ लेते हैं, बेलवाइल को अरेस्ट कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि एंटोनियो को बेलवाइल ने मारा है। एंटोनियो आस्क हिम टू फाइट अगेंस्ट पेड्रो बिकॉज ही इज बाउंडेड। सो गाइज देखो जो एंटोनियो के सर्वेंट्स होते हैं वो बेलविल को पकड़ लेते हैं
और एंटोनियो उसके बाद बेलविल को बोलता है कि तुम मेरा साथ दो पेड्रो के अगेंस्ट फाइट करने में बिकॉज मुझे चोट लगी है, और बेलविल डिक्लाइंस, बेलविल मना कर देता है कि नहीं वो पेड्रो के अगेंस्ट नहीं लड़ेगा, एंड देन एंटोनियो इन्फॉर्म्स इट इज़ फॉर फ्लोरिंडा। सो उसके बाद एंटोनियो कहता है कि जो ये लड़ाई है ये वो फ्लोरिंडा के लिए लड़ रहा है। सो बेलविल बिकम्स अपसेट थिंकिंग फ्लोरिंडा हैज अनदर सूटर एंड अग्री। सो गाइस बेलविल थोड़ा सा अपसेट हो जाता है बिकॉज जो फ्लोरिंडा है उसका कोई और सूटर भी है। कौन है? एंटोनियो, डॉन पेड्रो का फ्रेंड। सो जो बेलविल होता है वो अग्री कर लेता है कि ठीक है वो फाइट कर लेगा डिस्गाइज्ड एज एंटोनियो। मास्ड फ्लोरिंडा एंटर्स एंड थिंक्स पेड्रो इज फाइटिंग अगेंस्ट बेलविल। सो गाइस देखो फ्लोरिंडा के मुंह पर लगा होता है मास्क। सो मास्क लगाए फ्लोरिंडा के मुंह पर, वो वहां पर एंटर होती है और वो सोचते हैं कि जो पेड्रो है वो फाइट कर रहा है बेलविल के अगेंस्ट में, बिकॉज पेड्रो ने भी सारी तैयारियां कर रखी है एंटोनियो के अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए, और एंटोनियो ने भी सारी तैयारियां कर ही रखी हैं बिकॉज एंटोनियो ने तो बेलविल को भी मना लिया है कि बेलविल अपने आप को एंटोनियो की तरह डिस्गाइज करके पेड्रो के अगेंस्ट में फाइट करें। सो यहाँ पर पेड्रो ने सारी लड़ाई की तैयारियां कर रखी है, तो इसीलिए फ्लोरिंडा को लगता है कि कहीं पेड्रो जो है वो बेलविल के अगेंस्ट में लड़ाई तो नहीं कर रहा। एंड देन बेलविल वॉज लेट, बेलविल थोड़ा लेट हो जाता है एंड फ्लोरिंडा इज रिलीव। फ्लोरिंडा को बहुत रिलीव मिलता है कि बेलविल लेट हो गया है, एंड वेन एंटर्स ड्यूएल बिटवीन दैम पेड्रो बी रेट्स हिम फॉर इंसल्टिंग फ्लोरिंडा। सो जो पेड्रो होता है वो एंटोनियो को देखता है उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि तुमने मेरी बहन फ्लोरिंडा की इंसल्ट की दूसरी विमेन के पास जाकर। सो फियरफुल फ्लोरिंडा बेग्स बेलविल टू स्टॉप द फाइट इन द नेम ऑफ हिज लव, बेलविल स्टॉप्स इमीडिएटली। सो जो फ्लोरिंडा होती है वो जाकर हाथ जोड़ते है बेलविल के सामने, उसे लगता है कि एंटोनियो है। सो वो उसके सामने जाकर हाथ जोड़ते है कि अगर तुम सच में मेरे से प्यार करते हो तो प्लीज लड़ाई रोक दो, और जो बेलविल होता है वो उसे टाइम रुक जाता है। सो पेड्रो कंसीडर्स इट एज अ साइन ऑफ लव फॉर फ्लोरिंडा एंड गिव्स हिज सिस्टर्स हैंड टू हिम थिंकिंग ही इज एंटोनियो। सो जो पेड्रो होता है तो वो सोचता है कि एंटोनियो तो सच में उसकी बहन से प्यार करता है बिकॉज उसकी बहन ने एक बार बोला कि अगर तुम उससे सच में प्यार करते हो तो लड़ाई इसी वक्त रोक दो, और वो उसी वक्त रुक जाता है। सो पेड्रो सोचता है कि एंटोनियो मेरी बहन से बहुत प्यार करता है और इसलिए वो अपनी बहन का हाथ बेलविल के हाथ में दे देता है। वो सोचता है कि ये बेलविल नहीं एंटोनियो है। ना तो पेड्रो को पता और ना ही फ्लोरिंडा को पता कि ये एंटोनियो नहीं बेलविल है। सो यहाँ पर जो पेड्रो होता है वो अपनी बहन का हाथ देता है बेलविल के हाथ में, सोचता है कि ये एंटोनियो है। एंड फ्लोरिंडा सेज ही विल नॉट मैरी एंटोनियो, और फ्लोरिंडा को भी लगता है कि एंटोनियो, और फ्लोरिंडा कहती है कि वो एंटोनियो से शादी नहीं करने वाली। एंड देन बेलविल रिवील्स हिज आइडेंटिटी। उसके बाद जो बेलविल होता है वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है, एंड विलमोर एंड फ्रेडरिक कॉलिंग आउट हिज नेम। और विलमोर और फ्रेडरिक जो है उसे ढूंढते ढूंढते वहां तक आ जाते हैं। पेड्रो रियलाइजेस हिज मिस्टेक्स, टेक्स हर सिस्टर बैक। पेड्रो को अपनी गलती का एहसास होता है कि ओ शिट, उसने गलती से एंटोनियो समझकर अपनी बहन का हाथ बेलविल के हाथ में दे दिया, तो वो अपनी बहन को वापस खींचता है। सो गाइस देखो जो पेड्रो होता है वो तो अपनी बहन फ्लोरिंडा को ले जाता है, और जो विलमोर और फ्रेडरिक थे वो यहाँ पर बेलविल को बुलाने आए थे। सो ये तीनों फ्रेंड वहां से आ जाते हैं, विलमोर, बेलवाइल एंड फ्रेडरिक तीनों वहां से आ जाते हैं बिकॉज फ्लोरिंडा को तो उसका भाई पेड्रो ले जाता है। दे एग्जिट एंड बेलविल ड्रॉज हिज स्वॉर्ड ऑन विलमोर। एंजेलिका एंटर्स विद हर सर्वेंट्स एंड रिवील्स शी नोज हेलेना इज अ नोबल वुमन एंड एक्यूजेस विलमोर ऑफ हर्टिंग हेलेना फॉर मनी। विलमोर लीव्स आफ्टर नोइंग हिज जिप्सी गर्ल इज वेल्दी। सो गाइस उसके बाद जो बेलविल होता है वो विलमोर के ऊपर अपनी तलवार निकाल लेता है बिकॉज बेलविल को दोबारा याद आ जाता है कि विलमोर ने उसकी लवर फ्लोरिंडा को रेप करने की कोशिश की थी। देन जो एंजेलिका होती है वो एंटर होती है अपने सर्वेंट्स के साथ, और वो रिवील करते हैं कि उसने हेलेना की असली आइडेंटिटी का पता लगा लिया है। हेलेना कोई जिप्सी गर्ल नहीं है बल्कि वो तो एक नॉबल वुमेन है। और जब विलमोर को पता लगता है कि हेलेना एक जिप्सी गर्ल नहीं बल्कि एक वेल्दी वुमेन है, सो वो बहुत खुश होता है। हेलेना ड्रेस्ड एज पेज बॉय एंटर्स, टेल्स एंजेलिका दैट शी कम्स फ्रॉम अ नॉबल फैमिली हु लव्स विलमोर। सो गाइस देखो उसके बाद हेलेना आती है जिसने अपने आप को पेज बॉय मतलब बॉबी हेयर कट करा के अच्छे तरीके से अलग ही तरीके से ड्रेसअप कर रखा है, और ये आकर कहती है एंजेलिका को कि वो नॉबल फैमिली से बिलोंग करती है और विलमोर से प्यार करती है। एंड एंजेलिका को यहाँ पर लगता है कि तीसरी विमेन आ गई है जो विलमोर को प्यार करती है बिकॉज एक तो एंजेलिका खुद है और एक अभी आ गई है पेज बॉय वाली कटिंग में, और एक वो जिप्सी गर्ल। सो एंजेलिका सोचते तीन तीन सूटर, तीन तीन गर्ल आ गई है विलमोर के लिए। एंड देन एंजेलिका आस्क हेलेना टू रिवील अबाउट हर मिस्ट्रेस। सो गाइस देखो हेलेना जो यहाँ पर बॉबी कटिंग कराकर एक लेडी बनकर आई और कहती है कि हाँ जो हेलेना है वो एक नॉबल फैमिली से बिलोंग करती है और मैं उसे जानती हूँ और मैं भी विलमोर से बहुत प्यार करती हूँ, तो एंजेलिका को लगता है तीसरी सूटर आ गई है जो कि विलमोर को प्यार करती है। सो जो बॉबी कटिंग वाली विमेन होती है वो कहती है कि क्या तुम हेलेना को जानती हो? सो ये कहती है कि हाँ हेलेना को मैं जानती हूँ, वो मेरी मिस्ट्रेस है। सो एंजेलिका बोलती है कि ठीक है अपनी मिस्ट्रेस के बारे में कुछ रिवील करो।
एंड देन एंजेलिका कमांड्स विलमोर टू बी फेथफुल। सो उसके बाद जो एंजेलिका होती है वो विलमोर को बोलते हैं कि तुम मेरे लिए फेथफुल रहना। एंड देन हेलेना एग्जिट्स, जो हेलेना होती है वो वहां से चले जाते हैं। विलमोर वॉज टू फाइंड हर, एंजेलिका वॉज रिवेंज। सो विलमोर जो होता है उसे पता लगता है कि जो हेलेना है वो एक वेल्दी वुमेन है, नोबल फैमिली से बिलोंग करती है। सो विलमोर डिसाइड करता है, कसम खाता है कि अब तो वो हेलेना को ढूंढ कर ही रहेगा। और एंजेलिका डिसाइड करती है कि अब तो वो विलमोर से रिवेंज लेकर ही रहेगी। सो दोनों अलग अलग चीजों की कस्में खाते हैं। एंड देन फ्लोरिंडा एंड वेलेरिया एस्केप्ड फ्रॉम पेड्रो इन सर्च फॉर इंग्लिशमैन। सो जो फ्लोरिंडा और वेलेरिया होती है वो अपने भाई पेड्रो से बचकर छुपकर भाग आती हैं अपने इंग्लिशमैन के लिए। मतलब फ्लोरिंडा तो बेलविल के लिए आती है, और जो वेलेरिया होती है उसे भी फ्रेडरिक से प्यार हो जाता है। सो ये अपने इंग्लिशमैन की सर्च में आ जाती है, अपने भाई से छुप छुपा कर भाग आती है। एंड फाइंड्स देम विद विलमोर एंड पुट देयर मास्क। सो जब ये दोनों देखती हैं कि जो इनके इंग्लिशमैन है वो तो विलमोर के साथ है, तो ये अपने मास्क लगा लेती हैं। एंड फ्लोरिंडा री एंटर्स एंड हाइड्स इन अ हाउस वेयर ब्लंट ट्राइज टू रेप हर। सो गाइस देखो, उसके बाद जो फ्लोरिंडा होती है वो एक घर में जाकर छुप जाती है, वहां पर ब्लंट उसे रेप करने की कोशिश करते हैं। एंड आस्क फ्रेडरिक टू हेल्प हर, और फ्रेडरिक को बोलता है कि मेरी हेल्प करो। एंड व्हेन शी ऑफर्स देम ज्वेल दे पॉज। सो जब ब्लंट रेप करने की कोशिश करता है फ्लोरिंडा को और फ्रेडरिक की भी हेल्प मांगता है, तो जो फ्लोरिंडा होती है वो यहाँ पर अपनी इंटेलिजेंस यूज करती है और अपने ज्वेल उन्हें देती है, अपने ज्वेल उन्हें ऑफर करती है, तो वो एक बार के लिए रुक जाते हैं। एंड गाइस प्लॉट डेवलप्स, उसके बाद जो प्लॉट है वो डेवलप होता है। एंड फ्लोरिंडा एंड बेलविल मैरी, और जो फ्लोरिंडा और बेलविल होते हैं वो शादी कर लेते हैं। एंड फ्रेडरिक एंड वेलेरिया ऑल्सो डिसाइड टू मैरी, और जो फ्रेडरिक और वेलेरिया होते हैं वो भी डिसाइड कर लेते हैं कि वो भी शादी करेंगे। विलमोर गार्ड्स एंड पेड्रो कन्फ्रंट्स एंटोनियो आउटसाइड एंजेलिकाज हाउस एंड एक्यूजिंग हिम ऑफ नॉट केयरिंग फॉर फ्लोरिंडा। सो गाइस विलमोर ये सारी चीजें गार्ड करता है, और जो पेड्रो होता है वो देखता है एंटोनियो को एंजेलिका के घर के बाहर। सो पेड्रो को तो बहुत गुस्सा आ जाता है, बिकॉज वो अपनी बहन की शादी कराना चाहता था और एंटोनियो ऐसा नहीं कर रहा है। सो पेड्रो को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है एंटोनियो को कि तुमने मेरी बहन का ध्यान नहीं रखा, ये वो, मतलब एक्यूज करता है एंटोनियो को। एंड देन पेड्रो कॉन्ग्रेचुलेट्स बेलविल। उसके बाद जो पेड्रो होता है वो बेलविल को कॉन्ग्रेचुलेट करता है, बिकॉज इवेंचुअली उसे रियलाइज हो गया है कि जो एंटोनियो है वो उसकी बहन के लिए अच्छा स्यूटर नहीं है। सो इसीलिए पेड्रो बेलविल को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। एंड हेलेना एंटर डिस्गाइज इन बॉयज क्लोथ। सो जो हेलेना होती है वो अपने आप को डिस्गाइज करके आती है, बॉय क्लोथ में आती है लड़कों की तरह। एंड व्हेन हेलेना रिफ्यूजेस टू गो टू बेड विद हिम विलमोर अग्रीज टू मैरी। तो देखो गाइस, जो विलमोर होता है वो हेलेना को मतलब फिजिकल रिलेशनशिप में आने के लिए बोलता है, लेकिन जो हेलेना होती है वो इसके लिए अग्री नहीं करती है। शी रिफ्यूजेस टू गो टू बेड बिफोर मैरी। वो कहती है कि अगर तुम्हें फिजिकल रिलेशनशिप में आना है देन यू हैव टू मैरी मी फर्स्ट, तुम्हें पहले मुझसे शादी करनी पड़ेगी, then we'll do all this. So Wilmore जो है वो शादी के लिए agree कर लेता है। and Wilmore the rover succeeded in getting not only Helena the woman she loves but also her rich legacy of 300,000 crowns and turn out to be a luckiest character in the play. So guys देखो, जो Wilmore है जो कि rover है वो succeed हो जाता है अपनी lover Helena को पाने में। सिर्फ अपनी lover Helena को ही पाने में नहीं, बल्कि जो भी उसकी riches थी 300,000 crowns जो थे उसके, वो भी अब विलमोर के ही हैं। सो विलमोर टर्न्स आउट टू बी अ लकीएस्ट कैरेक्टर इन द प्ले, बिकॉज देखो एंजेलिका को भी उससे प्यार हो जाता है और यहाँ पर हेलेना भी उसे मिल जाती है। सो बेलविल एंड फ्लोरिंडा आर द प्रोपोनेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल मैन वुमेन रिलेशनशिप इन मैरिज विद डीप रूटेड लॉयलिटी एंड डिवोशन। सो गाइस देखो, जो बेलविल और फ्लोरिंडा है वो मतलब एक ट्रेडिशनल मैन और वुमेन का रिलेशनशिप कैसा होता है वो डिपिक्ट करते हैं यहाँ पर, कि मतलब डीप रूटेड लॉयल्टी और डिवोशन एक दूसरे के लिए था। कि मतलब जो बेलविल और फ्लोरिंडा है वो एक दूसरे के लिए इतने डिवोटी थे, इतने ज्यादा लॉयल थे, जो कि ट्रेडिशनल मैन वुमेन रिलेशनशिप को डिपिक्ट करता है। सो बोथ विलमोर एंड ब्लंट मेड आफ्टर वुमेन, बट विलमोर अट्रैक्ट्स वुमेन व्हेन ब्लंट रिपल्स देम। सो गाइस देखो, विलमोर और ब्लंट दोनों ही वुमेन के पीछे पागल थे, मेड आफ्टर वुमेन, लेकिन विलमोर अट्रैक्ट्स वुमेन, विलमोर की तरफ वुमेन अट्रैक्ट होती थी, वाइल ब्लंट रिपल्स वुमेन, जबकि ब्लंट सी औरतें दूर भागती थी। सो गाइस इस तरीके से ये प्ले एंड हो जाता है। बेलविल की फ्लोरिंडा से शादी हो जाती है, विलमोर की हेलेना से, एंड वेलेरिया की फ्रेडरिक से। सो इस तरीके से ये प्ले की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द थीम्स। सो हियर आर द थीम्स ऑफ दिस प्ले। फर्स्ट थीम इज जेंडर रोल्स, की जेंडर रोल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, बिकॉज जो वुमेन होती है उन्हें बार बार अपने आप को डिस्गाइज करने की कोशिश करनी पड़ती है। देन फीमेल एजेंसी, जो फीमेल्स थी उनको इतनी ज्यादा फ्रीडम
नहीं थी, वो किसी के अंडर ही हमेशा रहती थी। देन लव वर्सेस लस्ट, जो ब्लंट होता है वो भी सड्यूस करने की कोशिश करता है, विलमोर भी सड्यूस करने की कोशिश करता है। तो लव वर्सेस लस्ट जो है वो यहाँ पर एक थीम रहती है, बिकॉज जो बेलविल था उसका प्योर लव था, वाइल ब्लंट, विलमोर ये सब लस्टी टाइप के थे। देन डिसीट एंड डिस्गाइज, यस वो बार बार अपने आप को डिस्गाइज करके ही बाहर आती है, जिप्सीज की तरह डिस्गाइज करती है। एंड देन क्लास एंड मनी, प्रोस्टिट्यूट वाला भी इसमें आ जाएगा क्लास एंड मनी वाले में। और जो एलेना जो है उसकी क्लास, उसकी मनी जो भी थी, अब वो रॉबर को भी, मतलब विलमोर को भी मिलने वाली है। देन विट एंड लैंग्वेज, लैंग्वेज एंड विट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ दिस प्ले। सो गाइज ये सारी इंपॉर्टेंट थीम है इस प्ले की। देन वील टॉक अबाउट द सिम्बल, सो सिम्बल की बात करें तो कार्निवल विच इज अ फेस्टिवल, देन स्वॉर्ड्स, बात बात पर ये लोग स्वॉर्ड निकाल लेते हैं, स्वॉर्ड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सिम्बल। देन मास्क, मास्क देखो क्यों है इम्पॉर्टेंट सिम्बल, बिकॉज जब ये कार्निवल में जाते हैं सो ये अपने आप को छुपा लेते हैं, मास्क के पीछे ही अपने आप को हाइड कर लेते हैं। एंड देन एंजेलिकास पिक्चर, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है, जब उसकी पिक्चर पूरे स्टेज पर लगाई जाती है सो उसकी पिक्चर भी एक सिम्बल है। सो गाइज दीज आर द सिम्बल एंड आई होप आपको ये द रोवर प्ले जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड इसके बाद भी इफ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स, ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ईदर ऑन माई फेसबुक पेज, ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। सो आई विल गिव द लिंक ऑफ ऑल द थ्री इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गाइज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन माई फेसबुक पेज, आपके जो भी क्वेरी जो भी कन्फ्यूजन है आप लोग मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। एंड गाइज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।